नमस्कार बच्चों, आज हम स्वर पढ़ेंगे जो कि आपकी कक्षा सातवीं का टॉपिक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे स्वर की परिभाषा। वह संगीत उपयोगी आवाज़ जो स्पष्ट और अपने आप में मीठी हो और सुनने वाले के मन को आकर्षित करे, उसे स्वर कहते हैं। स्वर दो प्रकार के हैं, अचल स्वर और चल स्वर। अचल स्वर, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, जो अपने स्थान से ऊपर या नीचे नहीं चलेगा, ये सा और पा है। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं, जो स्वर अपने निश्चित स्थान पर स्थिर रहते हैं उन्हें अचल स्वर कहते हैं, सा और पा। अब आते हैं चल स्वर। जैसे कि नाम से ही पता चला, यह अपने स्थान से ऊपर या नीचे जाएंगे। सा और प को छोड़कर बाकी के स्वर जो अपने स्थान से ऊपर या नीचे की तरफ चलें, उन्हें चल स्वर कहते हैं। यह गिनती में 5 है। अब आते हैं शुद्ध स्वर। चल और अचल स्वर के अपने शुद्ध रूप को शुद्ध स्वर कहते हैं। यह गिनती में 7 है। सा रे गा मा पा धा नी। अब हम कोमल स्वर की बात करेंगे। कोमल स्वर वह स्वर है जो शुद्ध स्वर से थोड़ा सा अपने स्थान नीचे चले जाते हैं, और ये कोमल स्वर है रे गा धा नी। तो देखिए, पहले मैं शुद्ध स्वर गाऊंगी और फिर उसका कोमल स्वरूप। सा सा रे, ये रे शुद्ध है, रे। थोड़ा सा नीचे आ गया तो ये कोमल रे बन गया। सा गा सा धा, धा शुद्ध, धा कोमल धा। सा नी नी, आपने देखा कि कोमल स्वर शुद्ध स्वर से नीचे चले जाते हैं। कोमल स्वर की पहचान के लिए उनके नीचे एक रेखा लगाई जाती है। अब आता है तीव्र स्वर। जब शुद्ध म की आवाज को उसके नियत स्थान से थोड़ा ऊंचा किया जाए, उसे तीव्र स्वर कहते हैं। तीव्र स्वर गिनती में 1 ही है। म सा मा शुद्ध, अब तीव्र है सा मा। आइए अब हम इसे एक चार्ट के माध्यम से समझेंगे। स्वरों में सबसे पहले अचल स्वर, यानी जो अपने स्थान से ना ऊपर जाते हैं न नीचे, यह 2 हैं, सा और प। शुद्ध स्वर यानी स्वरों का शुद्ध रूप, इन्हें प्राकृतिक स्वर भी कहते हैं, यह गिनती में 7 हैं, सा रे गा मा पा धा नी। फिर आते हैं चल स्वर, जिन्हें हम विकृत स्वर भी कहते हैं, यह गिनती में 5 हैं, 1 स्वर तीव्र, 4 कोमल। तीव्र स्वर है म और कोमल स्वर है रे गा धा नी। अब इनको पहचानने के लिए शुद्ध स्वरों के नीचे हम कोई निशान नहीं लगाते, कोमल स्वरों के नीचे लेटी रेखा लगाते हैं, ताकि हमें पहचान आ जाए कि ये कोमल स्वर है।
तीव्र स्वर के ऊपर खड़ी रेखा लगाते हैं। आओ बच्चों, अब हम इसे एक सीढ़ी के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले सा, सा के बाद आएगा कोमल रे, उसके बाद रे शुद्ध। देखिए, इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि जो कोमल रे है वो शुद्ध रे से नीचे है। इसी तरह रे शुद्ध के बाद आएगा कोमल ग, फिर शुद्ध ग, फिर मा। मा तीव्र स्वर है जो अपने स्थान से ऊपर जाएगा। ये देखिए, तीव्र म शुद्ध म से ऊपर है। फिर पा, सा और पा दोनों अचल स्वर हैं, वह अपने स्थान से कहीं नहीं चलते। फिर धा कोमल, उसके बाद आएगा ध शुद्ध। ध कोमल भी देखिए ध शुद्ध से नीचे है। धा शुद्ध के बाद आएगा कोमल नी, और उसके बाद आएगा शुद्ध नी। इस प्रकार कुल मिलाकर 12 स्वर हो जाते हैं, 7 शुद्ध, 4 कोमल और 1 तीव्र स्वर। इस प्रकार आपने देखा कि शुद्ध और विकृत कुल 12 स्वर बन जाते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह टॉपिक स्वर और उसके प्रकार समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।